नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे बीमारियों की पूर्व चेतावनी देने वाली जेनेटिक काउंसलिंग क्या है और यह आपके कितने काम की है। दोस्तों, जेनेटिक काउंसलिंग का आधार क्या है, इसके बारे में पूर्ण विस्तार से आज हम अपने वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो इच्छा है इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की वो पूरी हो। दोस्तों, यह तो हम जानते हैं कि स्त्री के गर्भाशय के भीतर करीब 9 माह की एक नियत प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य का शरीर बनता है या उसे कोशिका से बनना शुरू होता है जो गर्भाधान के समय माँ के अंडे और पिता के शुक्राणु के मिलन से तैयार होती है। इसी सूक्ष्म सेल में माँ तथा पिता के जीन्स आ जाते हैं जो आगे पूरे शरीर के विकास को नियंत्रित करते हैं। इस छोटे से सेल की न्यूक्लियर रचना यानी केंद्रीय भाग में क्रोमोजोम्स नामक जेनेटिक संरचनाएं होती है। इन क्रोमोजोम्स में ही हमारे जीन्स स्थित होते हैं। आप जीन्स यानी क्या, इसे ठीक से समझ लें। आप कंप्यूटर समझते हैं ना, उसमें कैसे छोटी सी चिप में 500 सूचनाएं, फाइलें, काम और स्ट्रक्चर छुपे रहते हैं। ठीक वैसे ही जीन्स को यूं माने कि खुदा ने कंप्यूटर चिप को हजारों गुना छोटा कर दिया। यह चिप है छोटी सी, पर काम वही करती है बल्कि उससे भी बेहतर करती है। इसकी स्टोरेज क्षमता तथा कार्य करने का दायरा भी कई सौ गुना ज्यादा होता है। यही जीन हमारे शरीर नामक जैविक कंप्यूटर की जैविक चिप है। यही जीन हमारे शरीर के विभिन्न कामों के लिए जिम्मेदार है। शरीर में दिन रात चल रहे अलग अलग लाखों कार्यों के लिए लाखों जीन्स होते हैं। अब इनमें से यदि कोई जीन डिफेक्टिव हो या खराब हो जाए या फिर ठीक न बना हो या उसका म्यूटेशन हो जाए तो इस खराबी से कई बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। हर अलग जीन अलग म्यूटेशन के द्वारा अलग ही बीमारी की आशंका पैदा करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव जेनेटिक्स में शोध बढ़ा है, मानव क्रोमोजोम्स तथा जीन्स की सूक्ष्म बुनावट को विज्ञान ने और गहराई से समझा। अब जाकर हमें बहुत सी पारिवारिक तथा अन्य बीमारियों में जेनेटिक्स की गहन भूमिका और बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। हमें अब अंतिम तौर पर पता लग गया है कि बहुत से रोग हमारी जेनेटिक संरचना से ही तय होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मानव शरीर की जेनेटिक संरचना को जानने के सरल और सस्ते टेस्टों की जांच हो सके तो लोगों को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में वर्षों पूर्व आगाह किया जा सकता है। और यही धारणा प्रिवेंटिव जेनेटिक जांचों और जेनेटिक काउंसलिंग का आधार है। इस बात को तनिक और विस्तार से अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपके शरीर का हर जीन शरीर के किसी न किसी अंग और कार्य की कुंडली जैसा है। हमारे जन्म के समय से ही शरीर में मौजूद ये जीन्स ही हमारे शरीर के रेसे रेसे की जन्म पत्री जैसे हैं। मानो ये जीन्स ही शरीर के हर अंग के भाग्य को तय करते हैं। अर्थात एक नितांत वैज्ञानिक तथ्य को या हमने एक नितांत अवैज्ञानिक उपमा द्वारा समझाया है। यह इसलिए ताकि ज्योतिषियों के रोज के दावों को याद रखते हुए आप मेरी बात को शायद ज्यादा सटीक तौर पर समझ पाए। ऐसे लगभग 20,000 जीन्स हमारे शरीर की कोशिकाओं के न्यूक्लियस के क्रोमोजोम्स पर मौजूद होते हैं। ये जीन्स ही हमारे जेनेटिक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बनते हैं। ये जीन्स ही तय करते हैं कि हमें जीवन पर्यंत कौन सी बीमारियां होने की आशंका रहेगी, हम पर विभिन्न दवाएं और इलाज कारगर होंगे भी कि नहीं। खासतौर पर कई खानदानी बीमारियों में इनकी भूमिका को लेकर आजकल बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं, नित नया ज्ञान मिल रहा है। निकट भविष्य में अब मेडिकल विज्ञान बड़ी तेजी से न केवल बीमारी का पता करने के लिए जेनेटिक टेस्टों के पैनल लगाएगा बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के नए कौशल द्वारा जीन्स को रिपेयर करके बहुत सी बीमारियों को होने से ही रोकने की ठान बैठा है। शायद जेनेटिक चिकित्सा में ही इंसान के अमर हो जाने की कुंजी मिलने की संभावना भी है। तो क्या ये जेनेटिक जांचें हमें पूरी तरह से बता देगी कि आगे जाकर हमें यह वह या कोई और बीमारी पक्के तौर पर होगी ही? भविष्य कितना ही जोरदार हो, परंतु आज की जेनेटिक जांचों तथा ज्ञान की फिलहाल तो बहुत सारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को जानना भी बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिव जेनेटिक जांचों और जेनेटिक काउंसलिंग के संदर्भ में कई बातें ध्यान रखने जैसी है।
अभी कुछ ही बीमारियों के आधे अधूरे से जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध है, वे भी मात्र कुछ ही जगहों पर। अभी ये जांचें बड़ी महंगी है, हर एक के बस में नहीं कि इनकी जांच करवाने की सोचे भी। जब तक ये जांचें सहज और सस्ते रूप से उपलब्ध नहीं होगी, बेहतर समाज के लिए बीमारियों को रोकने में फिलहाल इनसे किसी मदद की आशा नहीं की जा सकती। तीसरी बड़ी बात को और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मान ले कि हमें कुछ बीमारियों की संभावना का पता सालों पूर्व चल भी जाए, तो क्या उनको रोकने का कोई इलाज भी मेडिकल साइंस के पास भी अभी होगा? ज्यादातर ऐसी बीमारियों की संभावना का पता चलने के बाद हमारे पास उन्हें ठीक करने का कोई स्टिक इलाज है ही नहीं। अभी ऐसी कोई विधि उपलब्ध नहीं जो आगे इनको होने से रोक सके। ब्रेस्ट कैंसर और एक तरह के थायराइड कैंसर के लिए जरूर यह उपाय है कि ऑपरेशन द्वारा यह अंग ही निकलवा दिया जाए, जिसमें आगे चलकर कैंसर की संभावना की चेतावनी जेनेटिक टेस्ट से मिले। तो फिर ऐसी जांच का क्या फायदा? जेनेटिक जांचों के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि ऐसा पता करके हम केवल मनोवैज्ञानिक परेशानियों यानी तनाव, डिप्रेशन आदि को आमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ सवाल है कि बीमारी की संभावना का पता चल जाए और उसको रोकने का कोई इलाज नहीं हो, तो कहीं ऐसे जेनेटिक टेस्ट से हम परिवार में तनाव और अलगाव की बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं? फिर ऐसी जांचों के कारण आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और रोजगार मिलने में मेडिकल फिटनेस की तमाम तरह की परेशानियां भी पैदा हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात और है, ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी वाले जींस मिलने के बाद भी कभी संबंधित व्यक्ति को वह बीमारी हो ही नहीं, क्योंकि बीमारी पैदा होने और न होने के लिए अन्य कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए किसी शख्स में बीमारी की आशंका बढ़ाने वाले जींस मिले तो भी यह कैसे मान लिया जाए कि उसे कभी न कभी वह बीमारी पैदा होनी ही है? दरअसल उस बीमारी का पैदा होना आगे बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर करेगा। हमारे आसपास की आबो हवा, प्रदूषण, हमारे भोजन की गुणवत्ता, व्यायाम करने की आदत तथा शरीर के अन्य जींस के साथ इस बीमारी वाले जींस का इंटरैक्शन आदि अनेक प्रकार इस बीमारी वाले जीन का इंटरैक्शन आदि अनेक कारक आखिर में बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। इस बात पर हम डायबिटीज के उदाहरण से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि डायबिटीज खानदान में चलने वाली बीमारी, इसके 4-5 जीन्स को अब तक पहचान लिया गया है। इन्हीं जीन्स का म्यूटेशन डायबिटीज पैदा करता है। इनका म्यूटेशन इंसुलिन पैदा करने वाली हमारी पैनक्रियाज की कोशिकाओं को खराब करता है, जिससे डायबिटीज हो जाती है। वहीं विभिन्न अध्ययनों और सर्वे द्वारा हमें दशकों से पता है कि यदि खानदान में डायबिटीज की स्ट्रांग हिस्ट्री है, तो आगे पैदा हुए बच्चों को भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। याद रहे कि सब बच्चों में वही जीन्स है, वही जीन्स होते हुए भी इनमें से कुछ बच्चे बड़े होकर डायबिटिक होते हैं और कुछ डायबिटीज से बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल डायबिटीज से बचने वाले वे लोग होते हैं जिनके जीन्स बीमारी वाले तो हैं, लेकिन ये लोग आगे संतुलित जीवन जीते रहे, ये नियमित व्यायाम करते रहे और अपना खान पान ठीक रखें, इन्होंने अपना वजन नहीं बढ़ने दिया हो और एक सक्रिय जीवन जीते रहे हैं। इसके विपरीत उसी खानदान के अन्य रक्त संबंधियों को डायबिटीज हो जाती, क्योंकि वे जीवन भर अल्लम गल्लम खाते रहे, बढ़िया मोटाते रहे और भरपूर आलसी जीवन जिए। इनका शरीर भूकंप के डर से ही कभी झटके में हिलाओ तो हिलाओ, वरना हमेशा ही लोंदे की तरह पड़े रहते हैं। तो बीमारी केवल जिन से ही नहीं, आपके बहुत सारे अन्य कर्मों कुकर्मों का भी फल होते हैं। यह भी ठीक कुंडली और जन्मपत्री जैसा ही केस है। आपकी कुंडली में कितना भी मजबूत धन योग हो, काम और मेहनत के बिना पैसा नहीं बनेगा। भाग्य में खूब लंबी उम्र दर्ज हो, पर आप यदि कुतुब मीनार से कूदने की ठान ही लें तो भाग्य आकर आपको नहीं बचाएगा। भाग्य केवल एक संभावना या आशंका है बस। इसी तरह जींस भी बीमारी की प्रबल आशंका मात्र है बस। इनके अलावा आगे ढेर सारे अन्य कारकों का भी बीमारी पैदा होने में बड़ा रोल रहेगा। तो फिर इस पूरी चर्चा का लबोलू आप क्या निकलता है? यही कि अभी प्रिवेंटिव जेनेटिक टेस्टिंग का रोल कुछ बीमारियों तक ही है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, चमड़ी का मेलानोमा नामक कैंसर, फैमिली पोलियो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फैमिलियल
हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया आदि सीमित है। हालांकि वह भी आसानी से उपलब्ध नहीं है, पर यह तो शुरुआत है। ढलती उम्र के कारण मैं तो शायद वह दिन न देख पाऊँ, पर मुझे विश्वास है कि आगे मेरे बच्चों के जीवन में यही जेनेटिक मेडिसिन स्वास्थ्य और अमरता की नई संभावनाओं के सिंह द्वार अवश्य खोलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।